नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं मिस इंडिया ब्यूटी क्वीन मोस्ट पॉपुलर रचना सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये मिस इंडिया कब चुनी गई और किस संस्था द्वारा करवाया गया था। क्यों सबसे पहले फिलहाल तो एक साल होने को है, ये लास्ट मंथ आई थिंक, एंड ये प्रोग्राम पंजाब में हुआ था और BHS एंटरटेनमेंट द्वारा हुआ था, तो उसमें मैं चुनी गई थी और इसमें वोटिंग सिस्टम था तो मुझे पब्लिक और जनता ने जीता। आज आप यहाँ पे काशी आई हुई हैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, इसका मुख्य कारण क्या है? श्रद्धा, और दूसरी बात कि मैं कहीं ना कहीं बनारस से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई है, 3-4 साल से मैं यहीं पर थी, तो श्रद्धा भी बहुत ज़्यादा, और बचपन से दर्शन किया है तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद है बाबा का, तो दर्शन करना ज़रूरी है। क्या कामना की है आपने बाबा से, क्या मांगा है आपने? सबके लिए अच्छे के लिए कामना किया है, सबको आगे बढ़े, सब कुछ अच्छा करे, सब लोग अच्छा करें, और मैं जिस रास्ते पे हूँ सच्चे रास्ते पे चल के और बेहतर करूँ जिंदगी में। जैसे कि बाकी मॉडल्स हैं, शुभ हमारे साथ हैं, सुष्मिता सेन जी, तो उस सूची में उनकी तुलना में आप सबको कहाँ आती हैं? वो हमेशा से एक मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं, वो इंस्पिरेशन रहे हमारी हमेशा से, कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिन्हें देख के हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि सुष्मिता सेन जी तो एक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुझे इंस्पायर करती हैं। तो जो कुछ कहीं ना कहीं अगर इंसान अपने से बेहतर इंसान को देखता है तो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और शायद इसलिए मैं भी यहाँ हूँ। अच्छा, आप माया नगरी मुंबई में अभी हैं, तो आप वहाँ पे क्या किसी प्रोडक्शन के अंडर कोई फिल्म आपको मिली है अभी तक? जी जी, एक साल हो चुके हैं। जी जी, अभी नेक्स्ट मंथ में फिल्म स्टार्ट होने वाली है, अभी अतिवाद पे मूवी है और उसमें मैं लीड रोल हूँ, हीरोइन हूँ मैं उसमें, नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट होने वाली है। मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे 90% महिलाएं कहती हैं कि पुरुष समाज द्वारा शोषण का सामना करना पड़ता है, तो क्या अभी तक आपको इस समस्या से 2-4 होना पड़ा? जी बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सही हैं तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता, और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री क्यों, आजकल तो देख रहे हैं अभी हाल में जो घटना हुई है और इससे पिछले साल जो घटना हुई है, घटनाएं पर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो तो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, फिर भी गलत हुआ, तो ये सोचने वाली बात है। हमारे समाज में लोगों को और एक तरीके से सुधार लाने की ज़रूरत है, मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। कोई भी जगह गलत नहीं होती है, और गलत होने के लिए किसी जगह का होना ज़रूरी नहीं है, गलत कहीं पर भी होता है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि सुधरने की ज़रूरत है, लोगों को अच्छा सोचने की ज़रूरत है, दरिंदगी जो जिन लोगों के दिमाग में है वो निकालने, कुछ अच्छा सोचे तो भी बेहतर समाज होगा, नहीं तो दिन पर दिन। जी रक्षा जी, अपने हादसे की बात की तो मैं हैदराबाद में हुए दुष्कर्म के बारे में जानना चाहूँगी कि उसमें जो हुआ महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके बाद हत्या की गई, तो उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे समाज? बहुत ही गलत हुआ, और अब 2020 स्टार्ट होने वाला है, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि आज के दौर में इतना गंदा सोच लोग रखते हैं, बहुत ही लाइक शब्द, वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना भी गलत होगा, एक तरीके से बहुत ही गलत हुआ इतना समझ लें, जो नहीं होना चाहिए हमारे लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, अब इस घटना को देख के लगा है कि लोगों को पढ़ाने लिखाने की और अच्छे समाज की बहुत सख्त जरूरत है, बाकी हर चीज़ का डेवलपमेंट बाद में, लेकिन अब लोगों को एजुकेशन देने की, लोगों को शिक्षा प्रदान करने की, लोगों को अवेयर करने की, और लड़कियों को और भी सुविधाएं देने की, कानून सख्त करने की, और कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसे भी क्लासेस दें जो उससे वो खुद की सहायता कर सकें, वो लाचार मजबूर क्यों हैं आज के समय में अगर हैं तो बहुत दुख की बात है। इस मामले में आप PM मोदी से और सूबे के CM योगी साहब क्या अपेक्षा करती हैं? कानून इसके लिए सख्त बनाया जाए ताकि लोगों के अंदर एटलीस्ट इतना डर तो रहे, डर नहीं है, कोई गलती तभी करता है जब तक उसके अंदर डर नहीं होता, तो वही तो रीज़न है कि कोई डर नहीं रहा तभी ऐसी गलती कर रहा है, तो कानून को और सख्त किया जाए और लड़कियों को कुछ स्पेशल ऐसे क्लासेस दिए जाएँ जिससे वो सेल्फ डिफेंस का एजुकेशन ले सकें और खुद को और स्ट्रांग बना सकें, कि एटलीस्ट वो कहीं निकलने से पहले उन्हें ऐसा डर ना हो कि उनके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि इस समय में जो हो रहा है वो सही तो नहीं हो रहा है, बहुत गलत है। आप अभी इस वक्त मिस इंडिया ब्यूटी क्वीन हैं, तो एक रोल मॉडल है आने वाली जनरेशन के लिए, यूथ के लिए, तो आप इस मामले में, इस समस्या के लिए आप अपनी तरफ से क्या पहल कर रहे हैं? अब मैं अपनी तरफ से अपने लेवल पे काम कर रही हूँ, मैं NGO से जुड़ी हुई हूँ और बाकी समाज सेवा में, जब मैं पर्सनल लेवल पे भी प्रोफेशनल लेवल पे भी जो कर सकती हूँ मैं पहले भी करती थी, बट अब मेरे पास एक टैग है तो मैं और बेहतर कर पाती हूँ, तो मैं अपने लेवल पे तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझ जैसे हर कोई करता रहेगा, हर कोई ऐसा सोचता रहेगा तो समाज और बेहतर बनेगा, सिर्फ मैं ही क्यों, मैं मिस इंडिया बनी हूँ तो ही मैं ही क्यों, क्वेश्चन ये है कि मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं,
हर कोई करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको टैग की ज़रूरत है, अच्छा करने के लिए आपको किसी नाम ओहदे और किसी पद की ज़रूरत नहीं है। आप समाज सेवा एक नॉर्मल इंसान रह के भी कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगी कि सब लोग कुछ ना कुछ किसी के लिए भी करें, जिसको भी देख रहे किसी को ज़रूरत है तो हेल्प करें, आगे बढ़ें और लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें, पीछे ना पीछे। रचना जी, आजकल कई संस्थाएं हैं जो आगे आकर मॉडलिंग ऑर्गेनाइज कर रही हैं, लेकिन जो कंटेस्टेंट हैं, मॉडल्स हैं, उन्हीं से एंट्री फीस ली जा रही है, जबकि मॉडलिंग करने के लिए उन्हें खुद पे करना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सिर्फ कमाने का जरिया हो गया है? अब दिन पर दिन एक तरीके से हर चीज़ बिजनेस बनती जा रही है कहीं ना कहीं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। बट अब फीस एक साइड है, इसमें अगर आप नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिविटी भी हम ऐड कर सकते हैं, बट मैं पॉजिटिविटी की बात करूँगी। जो पॉजिटिव साइड है इसके, अगर आप 200-500 देके अगर आप कुछ बेहतर कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। और अगर इसमें नेगेटिव साइड की बात की जाए तो जिस तरीके से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी के फ्यूचर को ख़राब ना करें, पैसे के लिए किसी के फ्यूचर को ख़राब ना करें। अगर कोई भी पैसा ले रहा है तो उसका अच्छा रिजल्ट है। ये थी हमारे साथ मिस इंडिया ब्यूटी क्वीन रचना सिंह जी, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्लाउड टाइम्स के साथ सीधी बात करने के लिए। मैं प्रमिला देवी मेमोरियल फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ पायल। मेरा हम लोगों का यहाँ पे एकत्रित होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, जो भारत में जो भी बलात्कार के मामले हैं, जिस तरह से देश की सुरक्षा ज़रूरी है उसी तरह से महिला की भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हम लोग उससे पिछड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। और हम लोग यहाँ सेलिब्रेट भी करने आए हैं, जो भी एनकाउंटर हुए हैं आज हैदराबाद के जो दरिंदे थे उनके साथ एनकाउंटर हुआ, बहुत सही हुआ। फाउंडेशन से महानगर महिला समन्वयक प्रीति जायसवाल, और यहाँ देश की बच्चियाँ असुरक्षित हैं उसी, और जब हम लोगों को ये पता चला कि जो अभी रेप कांड हुआ है उसमें 4 दोषियों को सजाए मौत मिला है, उसके मतलब खुशी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मिठाइयाँ भी हम लोग बांट रहे हैं। सरकार से बस हम लोग का यही आग्रह है कि नारियों को सुरक्षा दी जाए, बच्चियों को सुरक्षा दी जाए। मैं सरस्वती मिश्रा निरंजना की सचिव राज्य की, और जो सरकार हमेशा चिल्लाती है, नारा देती है कि नारी सशक्तिकरण, उसी के राज्य में नारियों का ये हाल है कि जहाँ तहाँ रेप हो रहा है और जला दिया जा रहा है। और इतना के बाद जब पहले ही निर्भया कांड हुआ था उस समय ये कदम उठाया गया होता तो आज ये जो उन्नाव में हुआ, हैदराबाद में हुआ, जो अन्य जगहों पर हो रहा है वो तो नहीं होता। सरकार बहुत ढीली कार्रवाई कर रही है, इसके लिए त्वरित तत्काल में ही इनको तुरंत सजा देनी चाहिए। आप भी चलाइए। आज एकत्र होने का मुख्य कारण ये है कि जो उन्नाव जिला में इतना लड़की को जाते वक्त कचहरी में जलाया गया, और दूसरा मुद्दा ये है कि जो कि मेरे यहाँ यूपी में कानून सिर्फ कानून अपना बनाते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। जैसे निर्भया कांड में 7 साल हो गया लेकिन अभी तक रेपिस्ट को कोई भी सजा नहीं मिली, लेकिन आज तेलंगाना ने जो पुलिस लोगों ने किया, हम उनको सलाम करते हैं वहाँ के तेलंगाना के पुलिस को कि उन्होंने प्रियंका रेड्डी के जुर्म रेपिटर्सों को जिस तरह से सजा दी। हम सब एक साथ क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।